हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबीसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शाखाओं का नाम जो केवल जंतुओं से संबंधित है। आइए जानते हैं। तो पहली शाखा है एंथ्रोपोलॉजी, इसमें मानव एवं मानव जाति का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मानव एवं मानव जाति का अध्ययन। नेक्स्ट है कांचोलॉजी, इसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं। कांचोलॉजी जंतुओं के कवच का अध्ययन। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी, इसमें हम जंतुओं के त्वचा संबंधी का अध्ययन करते हैं। डर्मेटोलॉजी जंतु त्वचा संबंधी अध्ययन। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, इसमें हम कॉर्टों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी कॉर्टों का अध्ययन। नेक्स्ट है इथोलॉजी, इसमें हम जंतु व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी जंतु व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट है यूजेनिक्स, इसके अंतर्गत हम अनुवांशिकी के नियमों के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है यूफेनिक्स, इसमें हम जीन संबंधी रोगों का निवारण के बारे में अध्ययन करते हैं। यूफेनिक्स जीन संबंधी रोगों का निवारण। नेक्स्ट है यूथेनिक्स, इसमें हम मानव का अच्छे पालन पोषण द्वारा सुधार का अध्ययन करते हैं। यूथेनिक्स मानव का अच्छे पालन पोषण द्वारा सुधार का अध्ययन। नेक्स्ट है हेमेटोलॉजी, इसके अंतर्गत हम रुधिर का अध्ययन करते हैं। हेमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन। नेक्स्ट है हेमिंथोलॉजी, इसके अंतर्गत हम कृमियों का अध्ययन करते हैं। हेमिंथोलॉजी कृमियों का अध्ययन। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी, इसके अंतर्गत हम सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन। नेक्स्ट है इक्थियोलॉजी, इसके अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। नेक्स्ट है लिम्नियोलॉजी, इसके अंतर्गत हम स्वच्छ जलीय जीवों का अध्ययन करते हैं। लिम्नियोलॉजी स्वच्छ जलीय जीवों का अध्ययन। नेक्स्ट है मेलकोलॉजी, इसके अंतर्गत हम मोलस्का प्राणियों का अध्ययन करते हैं। मेलेकोलॉजी मोलस्का प्राणियों का अध्ययन। नेक्स्ट है मेमोलॉजी, इसके अंतर्गत हम स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। मेमोलॉजी स्तनियों का अध्ययन। नेक्स्ट है मायोलॉजी, इसके अंतर्गत हम पेशियों का अध्ययन करते हैं। मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन। नेक्स्ट है मर्मेकोलॉजी, इसके अंतर्गत हम चींटियों का अध्ययन करते हैं। मर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। नेक्स्ट है निमेटोलॉजी, इसके अंतर्गत हम सूत्रकृमियों का अध्ययन करते हैं। निमेटोलॉजी सूत्रकृमियों का अध्ययन। नेक्स्ट है ओफियोलॉजी, इसके अंतर्गत हम सांपों का अध्ययन करते हैं। ओफियोलॉजी सांपों का अध्ययन। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी, इसके अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ऑर्थियोलॉजी। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी, इसके अंतर्गत हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। नेक्स्ट है प्रोटोजूलॉजी, इसके अंतर्गत हम प्रोटोजोआ प्राणियों का अध्ययन करते हैं।
प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजोआ प्राणियों का अध्ययन। नेक्स्ट है सोरोलॉजी, इसके अंतर्गत हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। नेक्स्ट है सीरोलॉजी, इसके अंतर्गत हम रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं। सीरोलॉजी, रुधिर सीरम का अध्ययन। नेक्स्ट है टेरेटोलॉजी, इसके अंतर्गत हम वैरूपिकी अध्ययन करते हैं। टेरेटोलॉजी, वैरूपिकी अध्ययन। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेशन पर ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमें सजेशन अवश्य करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।